प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक के मामले में सुनवाई 23 मई तक के लिए टल गई। तलाक की अर्जी राजा भैया की ओर से दाखिल की गई थी। यह मामला दिल्ली की साकेत कोर्ट में लंबित है। अदालत ने राजा भैया की पत्नी भानवी को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा था। परिवार अदालत जज सोनाली गुप्ता सोमवार को छुट्टी पर थी, इसलिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई। लिंक मजिस्ट्रेट के समक्ष भानवी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। राजा भैया ने तलाक याचिका में आरोप लगाया है कि भानवी सिंह ने ससुराल छोड़ दिया है और वापस आने से इनकार कर दिया है। रघुराज प्रताप सिंह की ओर से पत्नी से तलाक के लिए 2022 में याचिका दायर की गई थी। याचिका में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगा गया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की शादी को 28 साल हो गए हैं। करीब एक महीने पहले राजा भैया की पत्नी भानवी ने जोरबाग थाने में FIR दर्ज कराई थी। तब उन्होंने MLC अक्षय प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद दूसरी FIR राजा भैया पर दर्ज कराई गई थी। राजा भैया की पत्नी ने MLC अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल के खिलाफ EOW में वित्तीय अनियमितता को लेकर मामला दर्ज कराया था। कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी और MLC अक्षय प्रताप सिंह एक कंपनी साथ में मिलकर चला रहे थे। भानवी का आरोप है कि अक्षय प्रताप ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी कंपनी के ज्यादातर शेयर हथिया लिए। अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया के बेहद करीबी माने जाते हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की शादी साल 1995 में बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह के साथ हुई थी। शादी के समय राजा भैया की उम्र करीब 25 साल जबकि भानवी की उम्र 20 वर्ष की थी। दोनों को 4 बच्चे हैं। कुछ वर्षों से दोनों के रिश्ते के बीच में खटास आनी शुरू हो गई थी और राजा भैया से अलग होकर भानवी सिंह दिल्ली स्थित अपने आवास पर रहने लगी थी। राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच कलह की बात कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन यह मामला सार्वजनिक तब हो गया जब भानवी सिंह ने राजा भैया के बेहद करीबी MLC अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी और जालसाजी सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया था। फिलहाल राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच तलाक की सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है। 23 अप्रैल को कोर्ट की सुनवाई के बाद यह सुनिश्चित होगा कि राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच तलाक होगा या नहीं।